परमेश्वर ने कहा मैं तेरे आंसुओं को देखता हूं जो विश्वास के वाले आंसू, वो आंसू नहीं जो हम इमोशनल होके बहाते हैं अपने दुख के कारण कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बड़ी निराश हो गई हूं। उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसने ये नहीं कहा क्योंकि तू 10 साल से दुखी है इसलिए तू चंगी हो गई। उसने ये नहीं कहा क्योंकि तू 15 साल से बेबी नहीं है इसलिए मैं तुझे चंगा कर रहा हूं। बाइबल कह रही 38 साल का रोगी, उसकी 38 साल उम्र नहीं थी, 38 साल वो कुंड के किनारे बैठा हुआ था 38 साल से। किस लिए? कि कभी ना कभी मेरा नंबर आए और मैं चंगाई को पा जाऊं। लेकिन बाइबल कहती है वो 38 साल से चंगा नहीं हुआ, क्योंकि जब स्वर्गदूत पानी को हिलाते थे उसके उतरने से पहले कोई और उतर जाता था। स्वर्गदूत ने ये नहीं देखा कि ये 38 साल से बैठा हुआ है तो मैं खुद उसकी हेल्प कर दूं कि आजा भाई मैं तेरे को नीचे उतारने में हेल्प कर दूं, क्योंकि परमेश्वर आपके विश्वास आपके एफर्ट्स को देखता है, ये नहीं देखता कि आप कितने सालों से बीमार हैं या आपके घर कितने सालों से गरीबी है, वो नहीं देखता। इसलिए आप यहां मौजूद हैं कि आपका विश्वास बढ़े, इसलिए आप यहां मौजूद है कि आप ग्रेस लें, अनुग्रह लें, प्रेयर की ताकत लें, ब्लेसिंग्स लेके जाएं ताकि आप विश्वास से बढ़ सके, प्रभु को खुश कर सके। हाँ या ना? सुरजीत भाई को माइक देना। कौन है सुरजीत भाई? ओके जी मैम। ओके, आप बताइए आपकी क्या टेस्टिमनी, आप कहाँ से हैं, क्या आपकी लाइफ में हुआ? हाँ जी, मैं जलंधर तो बचू हाँ। हाँ, आप 2000 आपने लिख, आपकी उम्र कितनी हो गई? 39 साल। कितनी? 39। ओके, आप 2001 से क्रिश्चियन हैं, आप मसीह में हैं? हाँ जी। और आपकी मैरिज हुई 2008 में? हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद बताइए? उसके बाद मिसकैरेज होने शुरू हो गए वाइफ के जो प्रेग्नेंट हो रहे थे। हाँ, तो फिर उस तो बाद अपनी भाषा च गल करो पंजाबी च, अगर कंफर्टेबल हो खोल के दसो की होया। दो बार फिर ऐसी होए अपन जदा प्रेग्नेंट होए गए से ओ भाई थोड़ा मार पे, दो बार वो प्रेग्नेंट होए थे, दो बार फिर उस बाद ना मिसकैरेज हो गया हैगा उना दा। पहली बारी किद्दां होया? कि जिदा सुपने द्वारा ना उन्होंने सुपना आंदा सीगा ते इथे नाल ही ब्लीडिंग होण लग पैंदी सी उन्हां दे। सुपने च की दिखदा सी? दुष्ट आत्मा आंदा सी जिस तरह सप्प दे रूप दे विच आंदे सीगे, सप्प दे रूप दे विच आंदे सीगे, ते ओह फिर मिसकैरेज हो जांदा सी। दूसरे दिन सानूं पता लगदा सी ओह मिसकैरेज हो गया है कि ब्लीडिंग चालू हो जांदी उन्हां दी। और सपने च दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनांदा सीगा? हाँ जी। और गुस्सा बहुत आंदा सीगा? हाँ जी। तो लिखिया 2009 दे विच ताडी वाइफ दो वारी प्रेग्नेंट होए? हाँ जी। एक वारी थर्ड मंथ? हाँ जी। उन्हां दा बेबी खराब होया तुहाडा? हाँ जी। और 2010 दे विच साडा वाइफ दे नाल डिवोर्स हो गया? हाँ जी। डिवोर्स क्यों होया? डिवोर्स है लड़ाई झगड़ा करके के ते बहुत गुस्सा बहुत आंदा सीगा, जदे लड़ाई झगड़ा हुंदा सीगा ते नाले फिर उस तो बाद फिर उन्होंने छट के चले गए हैगे। तो तुही की सोचा ताडे लाइफ च की चलिया फिर? ओह फिर अपने बाद च हो गए ही जिद्दां मतलब अपने फिर दूजी मैरिज हो गई है। खुश है दूजी हो गई? सुनो ध्यान से, खुश हो सुनो मेरी बात। इनके जब पहली वाइफ का डाइवोर्स हुआ उसका कारण ये था कि मुर्दे दिखाई देते थे, प्रेगनेंसी होनी खत्म हो जानी, सेकंड टाइम प्रेगनेंसी खत्म हो गई, उसी वजह से डाइवोर्स हुआ। और आपने लिखा पहले डाइवोर्स के बाद आप सुसाइड करने के बारे में सोचते थे? सोच रहे थे कि मां। हाँ, और उसके बाद फिर सेकंड मैरिज हुई? हाँ जी। सुसाइड के बारे में सोचना फिर बंद कर दिया होगा? अब सुनो ध्यान से, सेकंड सुनो, कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि अच्छा ये शायद लड़की में प्रॉब्लम है, कई बार आपको लगता है अच्छा लड़के में प्रॉब्लम है, कई बार आपके फैमिली कर्स होते हैं। अच्छा, सेकंड मैरिज जब आपकी हुई तब सेम अटैक जो फर्स्ट लाइफ आपकी वाइफ पर होते थे वही आपके इस वाइफ पर होने लगे जो इस समय आपके पास खड़ी है। हाँ जी, सेम हो आप पे सेम अटैक। हाँ जी। ये उनकी बहन तो नहीं है? नहीं है। कोई रिश्तेदार तो नहीं है? नहीं है। पर वही अटैक जो उनपे होते थे वो इनपे होने लग गए। हाँ जी, सेम। अच्छा सुनो,
जो अटैक उस लेडी पे होते थे वो अटैक इस औरत पे होने लग गए। इन बहन को माइक देना, आपका नाम क्या है? सारा। सारा सारा ओके। उस तो बाद तुहाडे ते अटैक होने लग गए जी पापा, और सेम लड़ाई झगड़ा जिहड़ा उन्हां दे फर्स्ट वाइफ ना हुंदा ही तुहाडे नाल होने लग गया। हां जी पापा जी। और कोई कहंदा ही कि इन्हां दे बेबी हो ही नहीं सकदा, क्योंकि पहली मैरिज तो भी इन्हां दे बेबी कोई भी नहीं होया। हां जी। 2012 दे विच तुसीं प्रेगनेंट होए जी पापा जी, और सेम जिस तरह फर्स्ट वाइफ दी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई तीसरे महीने जी तुहाडा भी मिसकैरेज हो गया। हां जी पापा जी। समझ आ रही किसी को? अब क्या हुआ, 2012 में आप एक बार प्रेग्नेंट हुए, 2013 में आप दो बार प्रेग्नेंट हुए। यस पापा जी। और दोनों बार मिसकैरेज हुआ जी पापा जी। 2014 में फिर आप दो बार प्रेग्नेंट हुए जी पापा जी, और फिर एक बार मिसकैरेज हुआ 3 महीने, दूसरा 7 महीने में बेबी का ब्रेन नहीं बना और वो भी मर गया। इस भाई को माइक देना। टोटल आपके 7 बच्चे मरे, इसका मतलब दो पहली वाइफ से, 5 आपकी दूसरी वाइफ। आप इमेजिन करो, 7 बच्चे जो मरते हुए देख ले। मैंने आपको एक बात बोली थी 2004 में जब मैं मसीह में आया था, सेम केस हमारे ग्रुप में आया था, सेम केस, और वो हल नहीं हुआ था। मैं अपने पास्टर को बोलता था कि प्रेयर करो, प्रेयर की, सब कुछ किया, लेकिन वही हाल जो मसीह के पहले आने से पहले था, प्रेगनेंसी होना खत्म, प्रेगनेंसी होना खत्म। और मुझे मालूम था, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली जब मसीह में एक विश्वासी के रूप में चर्च जाता था, तो प्रैक्टिकली मुझे मालूम था कि ये केस एक ऑर्डिनरी केस या आम केस नहीं। हालेलुया। और तब मैं खुदावन से ग्रेस मांगता था कि परमेश्वर तू मुझे अनुग्रह दे, ऐसे केस मेरी मिनिस्ट्री में हल होने चाहिए और मुझे पता लगना चाहिए कि तू हां वाकई मेरा जीवित परमेश्वर मेरी लाइफ में काम कर रहे हैं। हालेलुया। और आपने सुना होगा कि फौरन से पता नहीं किस किस कोने से दुनिया के और इंडिया के आपने टेस्टिमनी सुनी होगी, जब IVF IUI सब फेल हो गए और परमेश्वर ने बेबीज दिए चर्च से। हाँ या ना? अब सुनो इनका हुआ क्या। डॉक्टर ने आपको बोला कि आपके बेबी हो ही नहीं सकता जी, क्योंकि आपका वाइफ का जो यूट्रस है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि 5 बच्चे आपके मर चुके हैं। और आपके लोग बोलते थे कि अगर पहली वाइफ के नहीं हुआ, सेकंड के भी नहीं होगा, और आपने लिखा कि उसके बाद आप उम्मीद खो बैठे थे। हाँ जी। तुसी जतन उम्मीद नहीं सी हुन? नहीं। कि हुन मेरे बेबी होगा? हाँ जी। क्योंकि पहला भी खत्म हो गए 2, उसके बाद 5 खत्म हो गए। हाँ जी। सेम अटैक ओते ही हुंदे रहे। हाँ जी। उस तो बाद चर्च बारे किवें पता लगा तनु? साडे ब्रदर ने दस्या हैगा। सगा ब्रदर? हाँ जी। की होया फिर? तुसी 2017 चर्च आना शुरू हो गए। हाँ जी। अब सुनो ध्यान से, और ये 2001 से क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियन बंदा अपने टेस्टिमनी दे रहे, इसका मतलब डेवल परवाह नहीं करता कि आप क्रिश्चियन हैं या आप किस चर्च के मेंबर हैं, वो अनॉइंटिंग से भागते हैं, नाम से नहीं। आप समझ रहे मेरी बात को? किससे भागता है वो? वो मसे से भागता है, वो आग से भाग, उसको दिक्कत आग से, उसको चर्च से दिक्कत नहीं है, उसका नाम कुछ भी हो, डिनोमिनेशन कुछ भी हो, वो पेंटिकोस्टल हो, कैथोलिक हो, उसको कोई मतलब नहीं। वो भागता कैसे है? आग से, वो फायर से भागता। लोग बोलते ना ये क्या फायर, फायर ये वाली देखो फायर, वो बेबी हाथ में पकड़ा हुआ उसने। दो हजार 2017 में आना शुरू है, इन पे प्रेयर हुई, इनके वाइफ ने प्रेयर रिसीव की, और सबसे पहले ये दोनों दुष्ट आत्मा के चक्कर से, उसके अटैक से फ्री हुए। yes. सितंबर 2020 में आपकी वाइफ 6th time 6वीं बार प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी। और ये प्रेगनेंसी जब आप दुष्ट आत्मा से फ्री हुए, ये लंबी चली। हाँ जी। कंप्लीट चली। हाँ जी। और मई 2021 बेबी बॉय आपकी लाइफ में आया। हाँ जी। ओ जीसस। मिटा दूंगा गुनाहों को, मैं नस्ल बदल दूंगा, मिटा दूंगा गुनाहों को, मैं नस्ल बदल दूंगा, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू, मेरा काम है तेरा शिफा।
होंठ जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिस में आऊंगा बदल कर रख दूंगा, मैं जिस में आऊंगा बदल कर रख दूंगा। जोर से बोलो हालेलुया। नहीं नहीं नहीं, जोर वाला, जोर वाला। आमीन। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज शुरू हुई है मीटिंग अभी। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, दुष्ट आत्माएं आज चीखे मारने वाले हैं, ये आपके घरों से भागने वाले हैं, आपके बिजनेस से भागने वाले हैं। आप पे जो ऑयल आज लगने वाला ना, वो स्टैंड, वो ऑर्डिनरी प्रेयर नहीं की कि हाँ प्रभु इस पे छू, वो भी काम करते हैं आपको मालूम है। अकेली अकेली बॉटल मैंने प्रेयर की है, और इनको मालूम है कि उसी बॉटल से प्रेयर होगी। अगर बॉटल्स खत्म हो गई तो अगले हफ्ते होगी, वो कोई और ऑयल यूज नहीं कर सकते। टीम को मालूम होना चाहिए, जितनी ऑयल बॉटल्स पे मैंने खुद प्रेयर की है आप वही यूज होंगी। मैं आपको बता रहा हूं, वो मसाब के अंदर घुसने वाला है आज। मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है खुदावंद के इस काम का, कि ये जो मसा आप रिसीव करते रहते हो ना, ये काम करता है। हाँ हाँ हाँ, इमेजिन करो 2017 में चर्च एंटर किया, समझा यहां की डॉक्ट्रिन को, यहां के शिक्षाओं को रिसीव किया, फ्री हुए, प्रेगनेंसी भी हुई, और इस बार जब प्रेगनेंसी हुई वो दुष्ट आत्माओं के अटैक के बिना थी। क्यों? क्योंकि वो जो शिक्षा और जो मसा आप ले रहे थे 2 साल, उसने काम किया। अब आपको समझ आ रही? अब कहां गया? अब वो मेडिकल रीजन अगर था, ये तो मेडिकल रीजन होते हैं जी, दुष्ट आत्मा तो अंधविश्वास का काम है। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, हाँ, अगर वो मेडिकल रीजन था तो अब क्या हो गया? अब तो यूट्रस और वीक था, क्योंकि 5 बेबी मर चुके हैं। एक छोटा सा फोड़ा हो जाए ना अंदर तो दुखी कर देता लोगों को, हाँ या ना? और सुनना, सिर्फ सुनना कि 5 बेबी मर गए, सुनना और इसको महसूस करना, जमीन आसमान का फर्क है। इमोशनली इंसान ड्राई हो जाता है, सूख जाता है वो इमोशनली। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप खत्म हो जाती है उनकी जब इतने बच्चे मर जाएं। आपने लिखा जब आप चर्च आना शुरू है खामरा में, आपका विश्वास बढ़ा। हाँ जी। आपको आपको टेस्टिमनीज आप सुनते थे। हाँ जी। कि मुझे विश्वास है, मैं गवाहियों को सुन रहा हूँ कि हमारे अब जीवन में काम होगा। हाँ जी। और देखो इन्होंने एक बात लिखी है कि टेस्टिमनीज को देखकर मेरा विश्वास बढ़ा, और आज खुद टेस्टिमनीज के साथ खड़े हैं। आप खड़े होने वाले हो गवाही के साथ। आपको आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आप पे ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं? आपको क्या लगता है आप ऐसे ही इतनी दूर आए? आपको क्या लगता है? रात, कल रात के, कल सुबह के टेंट लग रहे होंगे यहां पे, ओवरफ्लोज फुल हैं, ग्राउंड्स फुल हैं, पार्किंग्स फुल हैं। आज ये कौन है डफर कैमरामैन? हाँ, हर सेक्शन मैसेज आ रहे हैं, और लगाना पड़ रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने ऐसे आपको नहीं भेजा, वो आपका टाइम वेस्टर नहीं। और अगर आप ये टेस्टिमनी सुन रहे हैं ना, ये आपके अंदर बीज जा चुके हैं। और सुनो मेरी बात, जब मिट्टी के अंदर बीज डाला जाता है ना, तो उस समय सेंस से नहीं लगता कि ये उग जाएगा, लगता है मिट्टी के अंदर डाल दिया, क्या पता नहीं उगेगा कि नहीं उगेगा। वो बीज चाहे ना भी उगे, लेकिन वो भी उगता है ना, लेकिन ये बीज जरूर उगेगा। आप इमेजिन करो कि 7 बच्चे मरने के बाद, डाइवोर्स होने के बाद, इमोशनली खत्म होने के बाद, मसीह में होने के बावजूद, फिर आपने बातें भी बहुत सुनी होंगी कि तू क्रिश्चियन है, तू क्रिश्चियन है, तू क्रिश्चियन है, तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तू मसीही है, तू मसीही है, तू मसीही। और यही चीजें हमें फोर्स करती हैं, हमें प्रेशर देती हैं कि हम राइट प्लेस पे जाएं जहां खुदावंद का मसा हो। आपको मालूम, जितने खुदावंद के दासों से मैं मिला हूं, अगर मैं नाइजीरिया में गया हूं,
तो मैं ऐसे नहीं गया कि मुझे शौक था, मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए गया हूं। अगर मुझे प्रॉब्लम्स होती ना तो मैं कभी ना जाता। कई बार परमेश्वर प्रॉब्लम्स को अलाउ करता है आपकी लाइफ में कि वो बनी रहे ताकि आप राइट प्लेस पे पहुंच जाए। वो हमें सिखाते हैं, आमीन, वो हमें सिखाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, प्रॉब्लम्स, परीक्षाएं, अगर आप जेन्युइन क्रिश्चियन हैं, जेन्युइन वन, बैप्टिज्म लिया हुआ, पाप से दूर, अगर आप ऐसे क्रिश्चियन हैं, मैं आपको दावा देता हूं ये परीक्षाएं नहीं है, ये ब्रेड है आपके लिए, रोटी है आपके लिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं मैं आपको, रोटी है ये आपके लिए ब्रेड है। हां, ये परीक्षाएं नहीं है, ये आपके लिए ब्रेड है। इमेजिन करो आज जब इस मिनिस्ट्री के नीचे 150 पास्टर्स हैं जो एक्यूरेट सन्स हैं, 150 एक्यूरेट सन्स जो हर महीने अपनी रिपोर्ट्स भेजते हैं, टाइथ भेजते हैं, और कम से कम 1000 पास्टर होगा जो इस मिनिस्ट्री के साथ हैं। सुनो मेरी बात, 400 स्टाफ है यहां पे, डिसाइपल्स अलग हैं, बाइबल कॉलेज अलग है, इनको संभालने की ग्रेस कहां से आई मालूम? कभी समझ ही ना आती, क्यों? प्रॉब्लम्स होती ना, मैं जाता ना, ना जाता, ना कुछ सीखता, ना कुछ सीखता, और ना आज कुछ सिखाने वाला होता। कैसे संभालना है लोगों को, स्टाफ को कैसे संभालना है, सन्स को कैसे संभालना है, डिसाइपल्स को कैसे संभालना है, कभी समझ ना आता अगर प्रॉब्लम्स ना आती तो? मैं इसलिए तो कह रहा हूं आपकी प्रॉब्लम्स के लिए, जो मैं वचन दे रहा हूं, जो गवाहियां आप सुन रहे हो ना, बस वो आपके लिए ब्रेड बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम। वो आपको मारेंगे या आपको डाउन करने के लिए या आपको दुखी करने के लिए? नेवर, कभी नहीं। आत्मिक आंखें खुल जाएं आपकी यीशु मसीह के नाम में, और आप देख पाएं यीशु मसीह के नाम में वो कैसा महान काम है जो खुदावंद आपके लिए करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रभु ने मुझे सिखाया, और एक दिन में नहीं सिखाया, सालों लगे। अपने स्पिरिचुअल फादर के चर्च में जाना, मैंने बोलना कई बार दुखी हो जाना, यार ये सिस्टम नहीं ठीक है यहां, मैं उन नहीं आना, और मुझे लगना इस बार मैं 100% सच हूं, मैं नहीं मानूंगा, अब नहीं झुकूंगा। 3 महीने में फिर सॉरी पापा जी, मैं खुद, क्योंकि आप में और आपके स्पिरिचुअल फादर में, आपका स्पिरिचुअल फादर हमेशा राइट होगा और आप रॉन्ग होंगे, और हर बार मेरा रीजन जेन्युइन होना, नहीं ये चीज जेन्युइन अब नहीं करूंगा। प्रभु ने हमें सिखाया अधीनगी में कैसे रहना, ताकि जब मैं अपने काम में जाऊं और जब हजारों लोग या इस मिनिस्ट्री में शरण लेने वाले हों, तो मुझे मालूम होने हैंडल कैसे करना है। यहां का जो डंडा है ना, वो स्ट्रांग डंडा है खुदावंद का। हालेलुया, नहीं तो 50 लोगों की चर्च सिरदर्द बन जाती पास्टर्स के लिए, 400 लोग हो जाए ना तो सिरदर्द हो जाती है पास्टर्स को, एक दूसरे के साथ नहीं बन रही, उसकी उसके साथ नहीं बन रही, उसकी उसके साथ नहीं बन रही। मैं तो फॉरेन में, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसी कंट्रीज में गया हूं, 30 लोगों की चर्च, 30 लोगों की, और 3 फाड़ है 30 लोगों में, 3 फाड़, मतलब 10 लोग हटके 3 अलग अलग चर्चेस बन गई, 30 लोग। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, जो खुदावंद आपको ट्रेनिंग देना, वो आपको जो परीक्षाएं दे, चिंता मत करना, वो आप ही के लिए, वो ब्रेड है आपके लिए, और आमीन, ऊंचाई आशीष आपकी। आ जाओ आगे, सिस्टर को फेस दिखाना, सिस्टर का जूम में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरा काम है देना शिफा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र
कर दूंगा। आप सुनो, आप इसको नहीं देख रहे हो, आप अपना शीशा देख रहे हो फ्यूचर में। मैं जिसको छू लूंगा। आज साजे बड़े चार्ज किए हुए, क्या हुआ? तारीफ करो जोर से। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नेक्स्ट टेस्टिमनी सुनते हैं। अपोस्टल जी, सिस्टर, एक मिनट। हालेलुया, वो पूरा एंजॉय कर रहा है आज, वो देख रहा है लाल लाल क्या है, ये टेंट क्या है। चिंता ना कर, वॉलंटियर बनाना तेन इतने। यहाँ पैदा हुआ तो मतलब खुदा बंदे को प्लान किया तेरे लिए।